गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आर एस एस टी चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर ट्वेल्व एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नेचुरल डिजास्टर जो हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सो द पेज नंबर इज सिक्सटी फोर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि साइक्लोन किस तरह से आता है और कौन कौन सी स्टेट्स में आता है इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द मेजर्स फॉर सेफ्टी सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इफ़ अ वार्निंग फॉर साइक्लोन हैज़ बिन इशूड पीपल शुड लिसन टू द टी वी और रेडियो फॉर फर्दर रिपोर्ट्स अगर साइक्लोन की जानकारी या उसकी वार्निंग पहले ही टीवी और न्यूज़ में दी जा चुकी है तो उसके लिए और उसकी और अधिक जानकारी जानने के लिए आप टीवी और रेडियो हमेशा सुनते रहें ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज शुड आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर इन देयर एरियाज़ वो लोग जिन्हें पता है कि हाँ उनका एरिया साइक्लोन प्रोन है मतलब यहाँ साइक्लोन आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं ऐसे लोगों को अपने आसपास कोई सेफ शेल्टर यानी सुरक्षित जगह ढूंढ के रखनी चाहिए पहले से ही एंड टेक द शॉर्टेस्ट एंड द सेफेस्ट रूट टू रीच दैम बिफोर अ साइक्लोन ऑकर और साइक्लोन तूफान आने से पहले ही ऐसी जगह पर जल्दी से जल्दी और छोटे से छोटे रास्ते से पहुँच जाना चाहिए इमरजेंसी किट शुड बी ऑलवेज़ बी कैप्ट रेडी एक इमरजेंसी किट आपको हमेशा ही अपने साथ रेडी रखनी चाहिए जो मैंने आपको मटीरियल अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया जो आपको उसमें रखना चाहिए टॉर्च हो गई मैच स्टिक हो गई वन शुड क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोर्स एंड स्टे इनडोर्स ऐसे में हमेशा अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखें और घर के अंदर ही रहें बाहर ना घूमें पीपल शुड नॉट गो नियर और इन टू द सी और ओशन इफ अ वॉर्निंग फॉर साइक्लोन हैज़ बिन गिवेन अगर साइक्लोन के बारे में वार्निंग दी ज, चेतावनी दी जा चुकी है तो ना ही बाहर घूमें और ना ही सी यानी समुद्र के आसपास या समुन्द्र के अंदर जाएं फिशरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना तो ये उन्हें भी नहीं जाना चाहिए जिन्हें मछुआरा कहा जाता है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ इमरजेंसी सर्विस फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी हैंडी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज के जो नंबर हैं एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड ऐसे नंबर्स साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स इन सभी के नंबर भी आपको अपने साथ रेडी रखने चाहिए देन नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज़ ड्रॉट ड्रॉट होता है स्टूडेंट इसको हिंदी में कहा जाता है सूखा सूखा पड़ने का सबसे मेन कारण होता है स्कैर और यू कैन से बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ वाटर जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी होती है और ये पानी की कमी होती है विथ नो रेनफॉल जहाँ बारिश ना हो वेन आ रीजन रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट लीड टू ड्रॉट जब किसी रीजन में बहुत ही कम और यू कैन से बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है न तो ऐसे रीजन में क्या पड़ता है सूखा पड़ता है और वो भी एक लंबे समय तक इट इज द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम स्कैसिटी ऑफ वॉटर फूड एंड फॉटर और ड्यू टू स्क स्कैंटी रेनफॉल ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर एक्स्ट्रीम स्काय सिटी मतलब कमी पड़ जाती है पानी की खाने की एंड फोडर फोडर क्या होता है स्टूडेंट चारा जो एनिमल्स को सूखी घास फूस जो खिलाई जाती है ड्यू टू स्कैटी रेनफॉल बारिश की कमी के कारण होता है ये राजस्थान अब देखिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंटली ड्राउट आते रहते हैं सबसे मेनली राजस्थान क्योंकि वहाँ पर रेत का एरिया होता है सारा ऑलरेडी वहाँ पर पानी की कमी है और बारिश ना होने के कारण और कमी झेलनी पड़ती है वहाँ के लोगों को देन गुजरात दीज एरियाज़ फेस इनसफिशिएंट रेनफॉल साथ ही साथ सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ झारखंड सेंट्रल महाराष्ट्र इंटीरियर कर्नाटका पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड बिहार ऑल्सो फेस ड्रॉट कंडीशन फ्रिक्वेंटली इसके साथ साथ ये भी ऐसी स्टेट्स हैं जो जनरली और कई बार कभी कभार वहाँ पर ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पिक दिखाई हुई है एक पिक्चर है जिसमें दिखाया हुआ है कि ज़मीन कैसी हो जाती है देख रहे हैं आप कितनी सूखी और बंजर है ये ज़मीन इसमें ना ही कोई प्लांट ग्रो हो सकता है ना ही कोई ट्री ग्रो हो सकता है पानी की कितनी ज़्यादा स्केरसिटी है यहाँ पर कमी है मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रॉट और इसीलिए बहुत सारे लोग सूखे के कारण कई बार या यूके से हर साल मर जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट अब हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन करनी चाहिए इसके लिए मोर ट्रीज शुड भी प्लांटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉयडिड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएँ पेड़ पौधे लगाएँ और पेड़ों की कटी कटाई ज़्यादा से ज़्यादा रोके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाना चाहिए उनकी कटिंग नहीं करनी चाहिए लोग बिल्डिंग बनाने के लिए रोड्स ब्रिज इन बनाने के लिए भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रीज कट किए जा रहे हैं हमें उन सब पे भी स्टॉप कर देना चाहिए उन सबको द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी फॉलोड इन एरियाज वेयर देयर इज़ इन एडुएट वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी फॉलोड इन एरियाज वेयर देयर इज़ इन वाटर मतलब वो एरियाज जहाँ पर पानी की कमी होने होती है ऐसे एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट पानी का संग्रहण करना यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करना वेयर देयर इज इन जहाँ पर पानी की कमी हो ऐसे एरियाज में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इन दिस मेथड रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज ऐसे में हम क्या करते हैं बारिश के पानी को किसी टैंक में इसमें इकट्ठा कर लेते हैं और उसको आगे फ्यूचर में यूज़ करते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स सच एस मिलेट्स मेज सरगम शुड बी ग्रो और हमें ऐसी कुछ क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए जिनके नाम यहाँ दिए मक्का है या मिलेट्स हैं जो कि ड्रॉट की, की कंडीशंस में ग्रो की जा सकती हैं कैनल्स शुड बी बिल्ड टू ब्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू ड्रॉट प्रोन एरियाज कैनल्स बनाए जा सकते हैं ताकि वहाँ से पानी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज में लाया जा सके ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओवरग्रेजिंग होते हैं जब एनिमल्स uh, जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास खा जाते हैं ठीक है तो अति चराई भी कहते हैं जिसे हम तो इसको भी रोकना चाहिए सो so स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है दैट इज़ सुनामी अ सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ लार्ज एंड हाई वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक और अ बॉल्कैनिकेप्शन अंडर द सी सुनामी क्या होती है एक सीरीज ऑफ लार्ज एंड हाई वेव्स मतलब बहुत ज़्यादा लहरें जब आती हैं या फिर और वो लहरें किस कारण आती हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण आती हैं या फिर कोई वॉल्केनिकैनिक मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है अंडर द सी समुद्र के अंदर मतलब समुद्र के अंदर की सतह में अंदर की सरफेस में अगर कोई तेज लहरें आ रही हैं किसी अर्थ यानी भूकंप के कारण या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण तो इस ऐसी कंडीशन में सुनामी आती है

तो कोस्टल क्या होते हैं जो मैंने आपको भी बताया था प्रीवियस वीडियो में भी तटीय क्षेत्र जो होते हैं सुनामी ऐसे एरियाज में ही ज्यादा आती है इन डिसंबर टू थाउजेंड फोर केरला पुडुचेरी एंड तमिलनाडु वर हिट बाय अ सुनामी दैट कॉस्ड ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी दिसंबर 2004 में केरला स्टेट में पुडुचेरी और तमिलनाडु में ऐसी ही एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान और उनके माल को खतरा पहुंचा था और नुकसान पहुंचा था मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ ड्यू टू दिस दैट डिज़ास्टर और इस आपदा के कारण बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी गवा दी थी देखिए स्टूडेंट ये पिक्चर दिखाई हुई है आपको ध्यान से देखिए आप ऐसी तेज वेव्स आती हैं पानी की जो हाउसेस को और रोड्स ट्रीज प्लांट्स सबको डिस्ट्रक्ट करके रख देती हैं नाउ मेजर्स फॉर सेफ्टी क्या क्या सेफ्टीज हैं जो हम उस टाइम पे फॉलो कर सकते हैं दैट इज़ इफ़ अ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड इन कोस्टल एरियाज पीपल लिविंग क्लोज टू द सी और बीच शुड मूव टू हायर ग्राउंड पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द एरियाज अफेक्टेड बाई सुनामी अंडिल इट इज डिक्लेयर सेफ बाय द गवर्नमेंट इसमें एक ही चीज़ आप कर सकते हैं स्टूडेंट अगर सुनामी की वार्निंग इशू हो चुकी है पहले क्योंकि देखिये पानी में जब भी वेव्स आनी स्टार्ट होती है न धीरे धीरे से तो गवर्नमेंट क्या करती है एक न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ हेडलाइंस के थ्रू वो गाइडलाइंस इशू कर दे गाइडलाइंस और वार्निंग इशू कर देती हैं तो ऐसे में क्या करें कोस्टल एरियाज़ के यानी तटीय क्षेत्रों के पास समुद्र के पास रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उस एरिया को छोड़कर किसी सेफ प्लेस पे चला जा चले जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ऐसे एरिया से तब तक दूर रहना चाहिए जब तक सुनामी बिल्कुल शांत ना हो जाए यानी पानी बिल्कुल अपने नॉर्मल लेवल तक ना पहुंच जाए और डिक्लेयर ना कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ अब ये प्लेस आपके लिए सेफ है अब हम जानेंगे इसके बाद नेक्स्ट डिजास्टर के बारे में दैट इज लैंड स्लाइड जिसे हिंदी में भूस्खलन भी कहा जाता है अ लैंडस्लाइड ऑकर्स वेन अज मास ऑफ लैंड और रॉक और ब्रेक ऑफ अउंटेन लैंड स्लाइड कब होती है स्टूडेंट जब एक बड़ा चट्टान या बड़ा कोई पत्थर या कोई ऐसा रॉक कोलैप्स हो जाता है मतलब टूट जाए या ब्रेक होकर खिसक जाए अपनी जगह से ठीक है तो ऐसे में लैंडस्लाइड आती है एक तरह से हम कहें जमीन खिसक जाती है इसमें से जमीन मतलब वो लैंड और रॉक रॉक एरियाज ओके द ब्रोकन मास ऑफ लैंड फॉल्स डाउन एंड कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट द फूट ऑफ द माउंटेन और ये लैंडस्लाइड स्लाइड कहाँ आती है जनरली ये माउंटेन एरियाज में आती है मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में आती है जहाँ माउंटेन्स होते हैं इसमें क्या होता है बड़े बड़े चट्टानों का आपने सुना भी होगा बड़े बड़े चट्टानों के जो पीसीज होते हैं ना वो ऊपर से खिसक कर नीचे की तरफ आते हैं और जब ऑब्वियसली इतना बड़ा कोई पत्थर या चट्टान खिसक के नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से नीचे जो हाउसेज होते हैं या जो भी प्लांट ट्रीज होते हैं वो सब तबाह हो जाते हैं ऐसी लैंडस्लाइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो आपके स्नो वाले एरियाज हैं वहाँ पर काफी आती रहती हैं क्योंकि वहां पर स्नो क्या हो जाती है खिसक जाती है द अर्थक्वेक्स इरोजन एंड चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर कॉज दीज टू ब्रेक अपार्ट और इसके रीजन क्या है अर्थक्वेक यानी या तो भूकंप हो सकता है इरोजन हो सकता है या सॉइल में कुछ चेंजेस के कारण ये लैंडस्लाइड हो सकती है सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच सचेस्ट इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों का काटना हैवी वाइब्रेशन ऑफ मशीन जब बहुत ज्यादा तेज आवाजों में मशीन चल रही हैं इनके कारण भी लैंडस्लाइड हो सकती है एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो पर्वतों का यानी पहाड़ों का कोई हिस्सा खिसक कर या टूट कर उससे नीचे की तरफ जब आए स्पीड में दैट इज लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड ब्लॉक द फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू मोर प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स ये क्या करता है फ्लोइंग वाटर को रोक देता है और इसकी वजह से इंसानों और जानवरों दोनों को ही मुश्किलों को झेलना पड़ता है देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से होती है लैंडस्लाइड ऊपर से खिसक कर ये सारा नीचे आ गया है अब ऐसे में आपको क्या सेफ्टी करनी चाहिए वी शुड लिसन टू द रेडियो फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजास्टर ये तो बेसिक पॉइंट है सभी में कि आपको टीवी और रेडियो पे इसके रिगार्डिंग न्यूज़ कंटिन्यूसली सुनते रहना चाहिए पीपल लिविंग इन एन एरिया प्रोन टू लैंड स्लाइड शुड मूव टू अ सेफर प्लेस अगर आप ऐसे कैसी ऐसे किसी लैंड स्लाइड एरिया में रहते हैं जो लैंड स्लाइड प्रोन है मतलब जहाँ लैंड स्लाइड आने की संभावनाएँ हैं तो वहाँ जल्दी से जल्दी उस प्लेस को खाली कर कर किसी सेफ प्लेस पर जाएँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे जो प्लेस होते हैं वो होते हैं माउंटेन एरियाज़ मतलब जो लोग माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं क्योंकि वहीं पर लैंड स्लाइड सबसे ज़्यादा होती हैं पीपल शुड अवॉइड ड्राइविंग ड्यूरिंग अ लैंड स्लाइड एज इट कैन भी डेंजरस ऐसे टाइम में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकती है पीपल हु आर इंडोर शुड मूव टू एन अपर स्टोरे टू स्टे सेफ अपर यानी अपर फ्लोर पर चले जाए ऐसे में ताकि आप सेफ रह सकें पीपल लिविंग क्लोज टू वाटर बॉडी सच एस रिवर शुड स्टे अलर्ट फॉर एनी सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन वाटर फ्लो और ऐसे में अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास है यानी किसी रिवर या ओशन के पास हैं तो आपको वहाँ से भी थोड़ा दूर हट जाना चाहिए क्योंकि वाटर लेवल भी इससे सडनली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है जिससे वाटर फ्लो भी हो जाएगा डू नॉट ट्राई टू क्रॉस फ्लडीड फ्लडिंग स्ट्रीम्स और ड्राइव थ्रू दैम मतलब ऐसे स्ट्रीम्स या ऐसे तालाबों या नदियों को क्रॉस करने की कोशिश ना करें जिनमें ऑलरेडी पानी की लहरें तेज हैं यानी बाढ़ आई हुई है ठीक है ऐसे में ड्राइव करने की भी ट्राई ना करें सो स्टूडेंट नाउ वी विल नो द लास्ट अबाउट द लास्ट नेचुरल डिजास्टर दैट इज वोल्केनिक इरप्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्वालामुखी विस्फोट अ हिल और अ माउंटेन विद एन ओपनिंग और अ वेंट इज कॉल्ड अ वोल्केनो वोल्केनो क्या ज्वालामुखी किसे कहा जाता है एक ऐसा हिल यानी एक ऐसा पर्वत या ऐसा पहाड़ जिसका माउथ जो ऊपर का हेड होता है ना टॉप ये देखिए इस तरह की कुछ शेप होती है और इसका जो ये एरिया होता है ये ऊपर से ओपन होता है यानी खुला हुआ होता है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन गैसेस और इसके अंदर क्या होती हैं काफी सारी गैसेस एंड मोल्टन रॉक नोन एज मेगमा और कुछ चट्टाने पत्थर और काफी सारी गैसेस होती हैं और इन्हीं गैसेस के ये जो गैसेस और ये सब रॉक होता है इसी को क्या बोला जाता है मैग्मा बोला जाता है व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ अ वोल्केनो इट लीड टू वोल्केनिक इरप्शन और जब इन गैसेस में बदलाव होते हैं इसी के कारण ये गैसेस बाहर की तरफ आकर फटती हैं यानी यू कैन से उन गैसेस में कुछ एक्सप्लोजन होता है जिसकी कारण वो तेज गति से ऊपर बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे इसमें से निकलती हैं और एक वोल्केनिक इरप्शन होता है जब ये मैग्मा इस वलकैनो से बाहर निकलता है द हॉट मोल्टन मैटर दैट कम्स आउट ऑफ अ कॉल्ड लावा और इसमें से जो ये मोल्टन रॉक्स निकलती है ना इसी को क्या बोला जाता है लावा बोला जाता है तो एक ज्वालामुखी से लावा निकलता है गर्म होता है वो काफी क्योंकि वो जो गैसेज उसके अंदर होती हैं, वो काफी हॉट होती हैं। इट फ्लोज टू द एडजॉइनिंग एरियाज एंड मेल्ट एवरी थिंग दट कम्स इन इट्स पाथ और इसके रास्ते में आने वाले एक तरह से वो बाहर जब निकलेगा इतना तेज गति से मैग्मा या लावा तो उससे क्या होगा बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है और डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है द लावा कूवस डाउन टू फॉर्म अ बॉल शेप स्ट्रक्चर नियर द ओपनिंग ऑफ द वेल्कैनो कॉल्ड क्रेटर क्रेटर क्या होता है स्टूडेंट अ लार्ज होल इन द ग्राउंड यानी एक ओपन एरिया जो ग्राउंड में हो जाता है दैट इज मैंने आपको बताया वोल्केनो के ऊपर की जो ये ओपनिंग होती है सो सम आर एग्जिस्ट इन ओशियन आज भी बहुत सारे कुछ वर्लैनोज हैं जो ओशियंस में यानी समुद्रों में हैं वालकैनोज आर थ्री टाइप्स तीन तरह के होते हैं फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट सेकेंड वन इज एक्टिव द थर्ड वन इज डोरमेंट अब हम तीनों के बारे में जानेंगे तीनों कैसे होते हैं उससे पहले हम पिक्चर में देख लेते हैं ये एक वोल्कैनो दिखाया हुआ है आपको देखिए इस तरह की शेप का होता है जैसे एक माउंटेन होता है उसी तरह की शेप में बस लेकिन इसका माउथ ऊपर का जो टॉप है ना ये ओपनिंग होती है इसकी खुला हुआ होता है ये देखिए ऊपर से जो निकल रही है धुआं निकलता है बहुत सारा इसमें से ये क्रेटर है देन वेंट है ये जिसके थ्रू ये आ रहा है और ये लावा है देखिए यहाँ पर इतनी सारी ये गैसेज फॉर्म हो रही है दिस इज मैग्मा ओके स्टूडेंट तो अब हाँ हम जानेंगे

टू इरप्ट इन द फ्यूचर और जिसकी फ्यूचर में फटने की भी कोई संभावना नहीं है मतलब पास्ट ईयर्स में भी काफी टाइम से वो फटा नहीं है और ना ही आगे कोई ऐसी संभावना है कि वो फ्यूचर में भी इरप्ट होगा इसका एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस इन इटली जो कि कहाँ है इटली में इट इज एन एक्सटिंक्ट वर्ल्केनो ये एक एक्सटिंक्ट वर्ल्केनो है इसके बाद आता है डोरमेंट वर्ल्केनो डोरमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट डोरमेंट वर्कैनो वो होते हैं दैट वन दैट हैज ड इन मेनी इज बट इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन फ्यूचर जो अभी तक काफी टाइम से इरप्ट यानी फटा तो नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में उसके फटने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जिसका एग्जाम्पल है माउंट माउना की इसके साथ साथ माउंट मौजी भी है फूजी नॉट सॉरी मौजी दट इज माउंट फूजी जो कि जापान में है दट इज अ डॉमेट वलकैनो इसके बाद आएगा एक्टिव वलकैनो An is one that erupt frequently, frequently मतलब जो ज्यादातर फटता ही रहता है इराप्शन मतलब होता ही रहता है इसका एग्जाम्पल है माउंट एटना जो कि इटली में है इट इज एन एक्टिव वलकैनो अब इसमें मेजर्स ऑफ सेफ्टी क्या लेने हैं हमें दीज आर सम मेजर्स फॉर सेफ्टी पीपल हु लिव इन प्लेसिज वेयर वलकैनोज आर एक्टिव शुड भी टेकन टू अ सेफ प्लेस बाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइेज शुड भी स्विस्ट ऑफ ड्यूरिंग अ वल्कैनिक करप्शन तो ऐसे ऐसे एरियाज जहाँ वलकैनिक करप्शन होते हैं तो ऐसे एरियाज़ के आस पास रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा सेफ प्लेस पर पहुँचाया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी अगर उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो उन्हें दी जानी चाहिए और साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज हैं वो सब स्विच ऑफ करा देनी चाहिए स्विच ऑफ कर देने चाहिए एक वर्गैनिक इरप्शन के टाइम पे सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर हमने इसमें जाना अलग अलग नेचुरल डिजास्टर के बारे में जिसमें आपका भूकंप था बाढ़ सुनामी भूस्खलन इंग्लिश में मैं कहूँ तो आपके अर्थक्वेक फ्लड ट्रॉट लैंडस्लाइड साइक्लोन All these are natural disasters that are caused by change in nature. So, thanks and hope you like the video. Thank you so much, students.